नमस्कार, मैं राजेंद्र कानूनगो पब्लिक एजेंडा लेकर के हाजिर हूँ। पब्लिक एजेंडा में आज का सब्जेक्ट हमने जो चुना है वो है जो बारिश के दिनों में तमाम पेड़ जो जर्जर स्थिति में हो जाते हैं वो जान माल के लिए खतरा बने रहते हैं। हाल ही में एक बड़ी दुर्घटना हुई है भोपाल में, जिसमें 3 युवकों की जान गई है और वो पेड़ के पास एक चाय का स्टॉल लगा था, उस पर चाय पीने के लिए गए थे और वो बड़ा पेड़ जो है वो गिरा। तो इस प्रकार और इस जहां पर भी कई पेड़ हैं, पुराने और नए भोपाल में कुल मिलाकर के 1000 पेड़ों की ऐसी स्थिति है जो कभी भी धराशायी हो सकते हैं और उनसे आम जनता का नुकसान हो सकता है। किसी के ऊपर पेड़ गिर जाए तो वो उसकी मृत्यु हो सकती है, कोई कार है, कोई स्कूटर है और कोई वस्तु है जो पेड़ के सहारे है या दाएं बाएं कहीं पर है तो उनका नुकसान हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में हम किस पर दोषारोपण करें, सीधा सीधा सवाल जो है अलग अलग तरीके से हम पूछना चाहेंगे। और मेरे साथ इसलिए इस विषय पर चर्चा के लिए जो गेस्ट आमंत्रित हैं उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। मेरे साथ जो है बैठे हुए हैं श्री पुष्पेंद्र मिश्रा जी, श्री अनिल भूलचंदानी जी, पूर्व आईएएस श्री एसएस कुमरे जी और पूर्व आईएएफएस श्री आजाद सिंह डबास जी। तो हम सब मिलकर के इस विषय पर चर्चा करेंगे कि आखिर इस स्थिति की जिम्मेदारी किसकी बनती है और इसको किस तरीके से दूर किया जा सकता है। सबसे पहले चूंकि विषय विशेषज्ञ के हिसाब से वन विभाग में बड़े पद पर रहे आजाद सिंह डबास जी जो है वो जुड़े हुए हैं, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति से किस प्रकार से निपटा जाए, क्योंकि आप इस हमले में बहुत वर्षों से कार्यरत रहे हैं और आपने इस प्रकार का पेड़ों की जो स्थिति है उसको देखी भी होगी, समझी भी होगी और उसको दूर करने का प्रयास भी किया होगा। तो आपका क्या राय है इस विषय में? कानून को ये जो शहरी क्षेत्रों में वृक्षारोपण का मामला है, ये इसमें कई एजेंसीज वृक्षारोपण हमारा संपर्क शायद डबास जी से भी टूट गया है या कुछ आवाज़ की प्रॉब्लम आ रही है। तो मैं श्री कुमरे जी के पास आना चाहता हूं जो पूर्व आईएएस हैं। सर, आप विभिन्न पदों पर रहे हैं और आपको इस प्रकार की जो कठिनाइयां हैं, जो कलेक्टर भी रहे हैं आप और पदों पर रहे हैं, तो इसमें जो है आप क्या देखते हैं इसमें कि किस प्रकार से इस समस्या से निपटा जा सकता था पूर्व से, बरसात आने के पूर्व से? अच्छा, वो या और कोई तरीका है इसका कि ये इस प्रकार से नुकसान ना हो? कुमार साहब, कुमार साहब से भी हम जुड़ नहीं पाए हैं। मैं पुष्पेंद्र मिश्रा जी से इस संबंध में चर्चा करना चाहता हूँ। पुष्पेंद्र जी, थोड़ा सा आप बताएंगे विस्तार से कि इस प्रकार की स्थितियाँ क्यों उत्पन्न होती है और इसमें किसकी गलती हम माने और किसकी गलती ना माने और इसको किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? देखिए कानून को जी, दरअसल होता क्या है कि बरसात के दिनों में जब पानी का रिसाव होता है या भराव हो जाता है तो जो जर्जर पेड़ होते हैं वो लगातार, चूंकि उनकी उम्र भी ज़्यादा हो जाती है और उनको देख रेख की भी कमी रहती है, चूंकि
शहरी क्षेत्रों में पेड़ों का देखरेख जो होती है वो यथावत अवस्था में नहीं होती है, उनकी जो देखरेख है वो व्यवस्थित तरीके से नहीं हो पाती है ग्रामीण अंचलों की अपेक्षा में। क्योंकि अगर ग्रामीण अंचलों में जो पेड़ लगाए जाते हैं वो घर के आसपास होते हैं और उनकी देखरेख हो या जगह की वहाँ पर मापदंड भी अगर देखें तो जगह बहुत विशाल रहती है। बृहद क्षेत्रों में पेड़ लगाए जाते हैं वहाँ पर जो कृषि प्रधान हमारा जो देश कहा जाता है, तो गांव में पेड़ों को जैसे पहले 5 पेड़ लगाए जाते थे और उनको बेटे की भांति माना जाता था, तो ऐसे ही शहरों को हम शहर की जो आज बात है तो उसमें बरसात के दिनों के पहले नगर निगम को और प्रशासन को देखना चाहिए कि जो ऐसे जर्जर पेड़ हैं जिनकी अवस्था पूर्ण हो चुकी है उन पेड़ों की छटाई कर दी जाए या उनको दूसरी जगह विस्थापित करने के अवे प्रयास किया जाए। आजकल ऐसी ऐसी मशीनें आती हैं कि उनको जड़ समेत उखाड़ लिया जाता है, तो उनको उखाड़ करके अन्यत्र जहां पर जैसे जंगल है वहां पर विस्थापित कर दिया जाए। ऐसी व्यवस्थाएं करनी चाहिए शासन और प्रशासन को, खासतौर पर नगर निगम को। जब नगर निगम चेती कब है, जब बरसात के दिनों में इस तरह की दुर्घटनाएं घटित हो जाती हैं तब शासन को प्रशासन को उस ओर उनका ध्यान आकर्षित होता है। इसके पहले जब दुर्घटनाएं होती हैं उसके पहले चेत जाना चाहिए और जो ऐसे वृक्ष हैं जिनकी अवस्थाएं मतलब वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो चुके हैं, जर्जर हो चुके हैं, उनको चिन्हित करके और उनकी कटाई छटाई कर देनी चाहिए। रही बात पर्यावरण की छेड़छाड़ की, तो पर्यावरण के छेड़छाड़ के कारण ही प्रकृति को जब हम प्रकोप में लेके आएंगे तो ये प्रकृति का प्रकोप ही है कि इस तरह की तूफान, इस तरह की वर्षा, पहले भी ऐसी चीजें होती थी लेकिन समय समय पर होती थी, कुसमय नहीं होती थी। अब तो कुसमय, कभी भी बरसात हो रही है, कभी भी आंधी आ रहा है, कभी भी तूफान आ रहे हैं, कभी भी भूकंप आ रहा है, तो ये निश्चित तौर पर हम सब जो ये पाप बढ़ रहा है इस पाप के कारण भी हो रहा है। लेकिन हमको शासन और प्रशासन को ये देखना पड़ेगा कि जो ये अवस्थाएं प्राप्त हो रही हैं शहरी क्षेत्रों में खासतौर पर, जैसा कि अभी बहुत देखने को मिल रहा है बरसात के दिनों में, अभी 2-3 घटनाएं ऐसी घटित हो चुकी हैं, तो उनको निश्चित तौर पर शासन और प्रशासन को चेतना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अब डबास साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो डबास साहब से मैं इस विषय में राय लेना चाहता हूँ उनकी, कि ऐसी स्थिति में हमको क्या करना चाहिए जिससे ये पेड़ जो है वो गिरे नहीं, और क्यों गिर रहे हैं, इसके कारण क्या हो सकते हैं। तो क्योंकि आप इस हमले में शुरू से रहे हैं और विभिन्न पदों पर आपने कार्य किया है, आपका अनुभव है, तो आप कुछ इसमें क्या बताना चाहेंगे। हेलो, डबास साहब का संपर्क अभी शायद फिर से हाँ, तो मैं अब बोलचंदानी जी के पास जाना चाहता हूँ कि बोलचंदानी जी, क्या नगर निगम जो है वो इसमें असफल हो रही है या और कोई कारण हो सकते हैं जिसके कारण से शासन प्रशासन जो इस समय है वो पहले से नहीं चेता, नहीं जागृत हुआ, और इसके कारण ये परेशानी खड़ी होने की पूरी संभावना या आशंका बन गई है। ये जो 2-3 जाने गई हैं, इसको आप इसमें किसकी जिम्मेदारी मानते हैं? एक तो प्रशिक्षित अमला नगर निगम के पास नहीं है, दूसरा जो है वो जो पेड़ गिरा था उसके बाद उसको हटाने के लिए जो लोग आए थे वो कोई साधारण श्रमिक टाइप के लोग आए थे, और कोई ढंग से वहाँ व्यवस्था उस समय हो नहीं पाई, और ये जो बाकी के 1000 पेड़ हैं यदि ये गिरने लगेंगे इसी प्रकार से, वैसे भी आंधी तूफान में इस समय बारिश में पेड़ गिरते हैं, तो क्या नगर निगम की ये जिम्मेदारी नहीं होती थी कि वो इसको पहले से चिन्हित करके और पहले से इन पेड़ों की व्यवस्था ऐसी कर देता कि ये गिरे नहीं? कानूनगो जी, सर्वप्रथम तो मैं साधना न्यूज़ चैनल के माध्यम से उन शोक संतप्त परिवारों को भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश परिवार की तरफ से संवेदना प्रकट करता हूँ। घटना जो थी वह किसी परिवार के नौनिहाल चले गए,
दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी, परंतु इस विषय पर मैं ध्यान दो विभागों में आकर्षित करना चाहूंगा। एक तो पर्यावरण के लिए वृक्ष बहुत जरूरी हैं। अगर हमने वृक्ष काटने का अपराध पूर्व में किया है तो उसी की एक स्थिति थी कि कोरोना में ऑक्सीजन के लिए हम भीख मांगते फिर रहे थे इधर उधर, तो इसलिए वृक्षों की कटाई भी अपराध है, वृक्षों को काटना नहीं चाहिए, परंतु वृक्षों का संरक्षण होना चाहिए। उसके लिए आम व्यक्ति को भी सक्रिय रहना चाहिए, शासन प्रशासन को भी सक्रिय रहना चाहिए। यह जो घटना घटी, जिस घटना के कारण कुछ परिवारजनों के बच्चों की मृत्यु हो गई, प्रशासन को पहले देखना चाहिए कि वृक्षों के नीचे अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। ये जो घटनाक्रम होते हैं, बड़े बड़े पेड़ों के नीचे छोटी छोटी होटलें बन जाती हैं, टपरे बन जाते हैं, उस समय शासन प्रशासन ध्यान नहीं देता कि उसके ऊपर अतिक्रमण हो रहा है और यह वृक्ष कभी भी गिर सकता है, तो उसे ये दुर्घटनाएं घट जाती हैं। जिस समय वृक्ष लगाए गए आज से 100 वर्ष पहले, 200 वर्ष पहले, उस समय सड़कें चौड़ी होती थी, बहुत चौड़ी चौड़ी थी, और वृक्ष बहुत दूर हुआ करते थे। इस प्रकार के जो भव्य बड़े विशाल वृक्ष जो 100 200 वर्ष पुराने हैं, उनसे मकान भी दूर होना चाहिए। उनके नीचे गाड़ी खड़ी करने से पहले भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम यहाँ वाहन खड़ा कर रहे हैं, अगर ये वृक्ष गिर गया तो दुर्घटना घटे उसके बाद हमें नहीं सचेत होना है, दुर्घटना से पहले हमें सचेत होना चाहिए। प्रशासन का यह दायित्व बनता है कि जो वृद्ध वृक्ष हैं, जैसे पुष्पन जी ने कहा कि अब आधुनिकता की आधुनिक मशीनें आ गई, उन वृक्षों को शिफ्ट किया जा सकता है। पेड़ों को बिल्कुल नहीं काटना है। मैं साधना न्यूज चैनल के माध्यम से समस्त प्रदेश देश के वासियों को कहना चाहूंगा कि 5-5 वृक्ष लगाइए। जैसे पुष्पन जी ने कहा कि पूर्व में हम लोग 5 पेड़ लगाते थे, उनको पुत्रों की तरह पालते थे, अपनी संतान की तरह पालते थे, अन्यथा ऐसी भयानक स्थिति आ जाएगी। अभी तो कोरोना काल में हमने ऑक्सीजन की भीख डॉक्टरों से, अस्पतालों से, राजनीतिक दलों से मांगे, बाद में इस ऑक्सीजन का टैंक स्कूल बैग की तरह में हमें कंधे पे टांगकर मास्क लगा के पूरे शहर में रस्तों पे घूमना पड़ेगा, यह नौबत ना आए। उसके लिए हम सभी मानवीय लोगों को, सभी लोगों को सक्रिय होकर वृक्ष लगाने चाहिए, वृक्षों को उनका संरक्षण करना चाहिए। और अगर इस प्रकार का कोई वृक्ष आपके घर के आसपास है, मेरे घर के आसपास भी एक वृक्ष था, वृक्ष गिरने का कारण क्या बनता है कि इस प्रकार के जो विशाल वृक्ष होते हैं उनके इर्द गिर्द 1 मीटर की दूरी पर जमीन खाली होनी चाहिए ताकि उनकी जड़ें रहती हैं अंदर। हुआ यह है कि वहां पे सड़क बनती चली गई, डामर की सड़क की, अब उन जड़ों को पानी वहां पहुंचता नहीं है, तो वो जड़ें अंदर खोखली होती चली जाती हैं और वो जड़ें कट जाती हैं। अब जड़ें कट जाने के बाद क्या होता है, वृक्ष का दबाव वजन जो है एक तरफ होने लगता है, और जैसे ही आंधी तूफान आती है तो वो रोड भी उखाड़ देता है, सड़क भी उखाड़ के वो वृक्ष गिरकर किसी न किसी घटना का कारण बन जाता है। तो इसके लिए शासन प्रशासन के ऊपर पूरा दोषारोपण करना भी ठीक नहीं है। जहां वृक्ष हैं, जो लोग उस वृक्ष की छांव का आनंद ले रहे हैं, आम का आनंद ले रहे हैं, उसमें से जामुन तोड़ रहे हैं, उन वृक्षों का अगर हम फल भी प्राप्त कर रहे हैं, तो उनको संरक्षण देना, उनकी रक्षा करना, उनकी देखरेख करना हमारा दायित्व तो बनता है। हम शासन को सचेत करें, उनको सूचित करें कि वृक्ष। मेरा एक प्रश्न आपसे ये है कि क्या इसमें नगर निगम या नगर प्रशासन या शासन या सरकार कहीं इसमें दोषी नजर आती है कि बारिश होने के पूर्व मार्च महीने से ही ऐसे वृक्षों को चिन्हित करके और उनकी व्यवस्था कर दी जाए ताकि बरसात के पहले वो वृक्ष सुरक्षित हो जाएं और इस प्रकार की घटना ना घट पाए और वो टूटे नहीं? ये मेरा पूछने का इसमें। बिल्कुल, मैं उसी आप पे आ रहा हूँ कि देखिए कि वर्तमान परिदृश्य में आज पूरे भारत के अंदर जिस प्रकार से कोरोना की है, सरकार ने अपने निगम के कर्मचारी, नगर निगम के कर्मचारी, वो कुछ ऑक्सीजन की व्यवस्था में, कहीं हॉस्पिटलों की व्यवस्था में, कहीं वैक्सीनेशन के लिए अपनी टीमें विभाजित कर रखी है। हालांकि सरकार का दायित्व बनता है, निगम का दायित्व बनता है, निगम के प्रशासनिक अधिकारियों को इस पर पूरे में ध्यान देना चाहिए और उस पर निगरानी करनी चाहिए। आज ये एक घटना घट गई है, परंतु अभी मौसम प्रारंभ हुआ है, अभी और इसमें 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने तक ये घटना कभी भी घटित हो सकती है। तो एक टीम बनाकर आज से भी अगर इस प्रकार की निगरानी करनी चाहिए, और दायित्व तो बनता है नगर निगम का, नगर निगम को इस तरफ आकर्षित होना चाहिए, ध्यान देना चाहिए आगे इस प्रकार की घटना न घटे, जल्दी से जल्दी वो जो बड़े विशाल वट वृक्ष जहां पे भी लगे हुए हैं, पूरे भोपाल के सराउंडिंग जहां पे भी लगे हुए हैं, उन वृक्षों की देखरेख करनी चाहिए। और इस प्रकार का अगर वृक्ष
किसी भी परिवार के घर के इर्द गिर्द है तो उसका भी दायित्व बनता है कि शासन को ध्यान आकर्षित करे, उन्हें सूचित करे कि हमारे घर के पास में ऐसा वृक्ष लगा हुआ है, कहीं गिर सकता है, उसकी एक बार देख रेख करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, नगर निगम को इस प्रकार का कोई एक नंबर जारी करना चाहिए कि उस नंबर पर वो कोई भी नागरिक एक ऐसी शिकायत कर सके कि ये वृक्ष जर्जर है, इसको आप संभालिए, इसको सुरक्षित करिए, और या फिर इसको जो है यदि काट छाट करने से, इसका वजन कम करने से ये टिक सकता है तो इसको बनाए रखें। मैं डबा साहब जुड़ गए हैं। डबा साहब, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? डबा साहब, कुमरे साहब, आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ ठीक है। पुष्पेन जी से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ कि पुष्पेन जी, मेरी जो बात थी अभी कि इस प्रकार की व्यवस्थाएं करना चाहिए सरकार को, और अभी अपन वृक्षारोपण की बात न करके इन वृक्षों को और इन दुर्घटनाओं से कैसे बचा जाए इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, तो इस विषय पर ध्यान केंद्रित करते हुए मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएं जो घटित हो रही हैं उसमें कहाँ का हम दोष मानेंगे, जनता का इसमें कोई दोष है क्या कि इन पेड़ों को जो है उसने खोखला किया, जो सड़क बनाने वाली निर्माण करने वाली एजेंसी है उसका दोष माने कि उसने एक मीटर की सराउंडिंग रखी नहीं, खाली रखा नहीं, और दूसरा ये कि क्या समय समय पर इन पेड़ों की कटाई छटाई होती रही ताकि इनमें अनावश्यक जो है बोझ न बढ़े, और जो सड़क के किनारे या इस टाइप से जो वृक्ष लगे हैं उनकी ज़्यादा स्थिति जो है वो ठीक होना चाहिए, क्योंकि जो दुर्घटनाएं होती है वो बीच में कहीं पार्क में या कहीं और गार्डन में या कहीं दूसरी जगह जो पेड़ लगे हैं वो गिरने से उतना नुकसान नहीं हो सकता है जितना कि सड़क के किनारे लगे वृक्षों से होता है, तो इस मामले में आप क्या कहना चाहेंगे? कानूनगो जी, जैसा कि अभी मूलचंदानी जी ने कहा कि जब वृक्ष लगाए जाते हैं और उसको फिर धीरे 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 उसका अतिक्रमण किया जाता है तो जमीन जो होती है तो उनके आसपास की जो जमीन है वो कम हो जाती है, उनके लिए उन पेड़ों के लिए जो जड़ है उनकी वो जमीन सही दिशा में उनको नहीं मिल पाती है और वो जड़ हो जाती है कमजोर, उस कारण वो जो वृक्ष है उनकी जो बढ़त की क्षमता होती है वो घट जाती है। इसके पश्चात नगर निगम को देख रेख करना चाहिए और नगर निगम को लगातार इन वृक्षों को ऐसे चिन्हित करके, जैसा कि अभी आपने बताया कि ऐसे 1000 वृक्ष हैं, उन सभी वृक्षों की कटाई छटाई समय समय पर होती रहे जिससे कि डाल और झाड़ झंकाड़ की स्थिति जो बनती है वो जो उनको बोझ मिलता है वो उन बोझों से कम रहें, क्योंकि उनकी जो जड़ है वो कमजोर रहती है तो जब वृक्ष ऊपर बढ़ नहीं पाएगा तो उनकी जो क्षमता है वो कमजोर रहेगी। तो निश्चित तौर पर नगर निगम को ये चाहिए कि उन चिन्हित पेड़ों को उनकी कटाई छटाई और उनकी जड़ों में मिट्टी डाल करके और उनको मजबूती प्रदान करे। दूसरी बात ये है कानूनगो जी कि जब हम पेड़ लगाते हैं तो जो कहीं भी हम पेड़ लगा देते हैं या कोई वृक्षारोपण करने की कोई समय आता है तो हम कहीं भी 4-5 पेड़ लगा करके उस समय ये नहीं देखते हैं कि ये वृक्ष जब बढ़ेंगे तो उनको कितना माप, कितनी जगह चाहिए एक वृक्ष को बढ़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर ये भी हमको ध्यान का विषय रखना चाहिए, जो भी सामाजिक कार्यकर्ता या एनजीओ के माध्यम से वृक्ष लगते हैं या शासन या प्रशासन के माध्यम से वृक्ष लगते हैं तो उन पे भी जरा ध्यान रखना चाहिए कि उनका मापदंड भी तय होना चाहिए कि इन वृक्षों की मापक क्षमता दूरी तय करके उन वृक्षों को लगाया जाए। नगर निगम का इसमें दोष सीधा सीधा ये है कि ऑलरेडी आपके पास डिपार्टमेंट है, उस डिपार्टमेंट को इनको जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून तक देख करके और चिन्हित पेड़ों की कटाई छटाई या उनका अन्य चीजों को देख करके कि कहीं कोई पेड़ जर्जर अवस्था में है तो उनको उनका उनको उखाड़ करके मशीनों के द्वारा और दूसरी जगह उनको विस्थापित कर दिया जाए, जंगल इतने आसपास में है वहां ले जाकर के उनको लगा दिया जाए।
जैसा कि मूलचंदानी जी ने कहा कि गैस जो कि ये हमको ऑक्सीजन फ्री में मिलती थी, आप ये बताइए कोरोना महामारी में ऑक्सीजन के लिए त्राहिमाम त्राहिमाम की स्थिति बनी, लोग कैसे कैसी अवस्थाओं में ऑक्सीजन, और हमारे लोग बहुत सारे विछोह की अवस्था भी प्राप्त हो गए जिनको ऑक्सीजन नहीं मिली। तो आप ये बताइए जो चीज हमको फ्री में मिल रही थी उसको हम दरकिनार कर रहे हैं, उसको हम काट रहे हैं, उसकी जो हमको व्यवस्था करनी चाहिए उस व्यवस्था को नहीं कर रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, साधना न्यूज चैनल के माध्यम से निवेदन है, ये बहुत अच्छी पहल है कि प्रकृति को हम संचित करें, प्रकृति को बचाएं। अगर हम प्रकृति के साथ छेड़छाड़ करेंगे तो प्रकृति हमको भी छेड़छाड़ करेगी। और ये आपने देखा, पूरे समाज ने देखा, पूरे देश ने देखा कि पेड़ों की कटाई से आज ऑक्सीजन की कमी हो रही है, और ऑक्सीजन की कमी, जैसे ऑक्सीजन की कमी होगी वैसे ही मनुष्य के जीवन में भी लोगों की कमी होगी। बिल्कुल सही कहा आपने मूलचंदानी जी, समय का अभाव है, आपसे दो मिनट में एक प्रतिक्रिया चाहता हूं मैं आखिरी, कि इस बारे में आप और कोई सुझाव या और कोई बात कहना चाहते हैं तो अपनी बात संक्षेप में रख सकते हैं। मैं साधना न्यूज चैनल के माध्यम से प्रशासनिक अधिकारियों को, भोपाल नगर निगम को, मध्य प्रदेश के सभी नगर निगम अधिकारियों से आग्रह करना चाहता हूं कि अभी यह मौसम की मार्च प्रारंभ हुई है, आज से भी आप अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार के वृक्ष, पुष्पेन जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब एक वृक्ष बड़ा होता चला जाता है उसकी डालियां, उसका बैलेंस बिगड़ने लगता है, अगर उनकी कटाई छटाई आज भी कर ली जाएगी तो वृक्ष का बैलेंस नहीं बिगड़ेगा, और वो पेड़ जो आज हम लोगों के ऑक्सीजन का कारण बना हुआ है वो बना रहेगा, लोग भी सुरक्षित रहेंगे, प्रदेश का विकास भी दिखेगा, प्रदेश की खूबसूरती भी दिखेगी, क्योंकि वृक्ष कटने से खूबसूरती भी चली जाती है, ऑक्सीजन की भी दिक्कत होती है। और साधना न्यूज चैनल जिस प्रकार के इस प्रकार के एजेंडा के कार्यक्रम ला रहा है, पूरे प्रदेश की जनता को, देश की जनता को यह मैसेज जाता है कि वृक्षों को संरक्षण दीजिए, उन्हें काटिए मत, इनकी हमें जरूरत है, और आपके घर के आसपास भी इस प्रकार के कोई वृक्ष हैं तो उनकी कटाई सामाजिक स्तर पर, एनजीओ के माध्यम से, स्वयं के स्तर के लिए कीजिए, क्योंकि ऑक्सीजन की जरूरत आप हम सबको है, समाज को है, हमारे देश को है, हमारे प्रदेश को है, मानवता के लिए वृक्ष बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, ऑक्सीजन की कमी है जो वृक्ष पूर्ति करते हैं, और वृक्षों का संरक्षण होना बहुत आवश्यक है, इस परिचर्चा का निष्कर्ष यही है। और हमारे साथ जो गेस्ट जुड़े, अनिल बोलचंदानी जी, पुष्पेंद्र मिश्रा जी, डॉक्टर एसएस कुमरे जी, पूर्व आईएफएस आजाद सिंह दबास जी, मैं सबका धन्यवाद करता हूं, शुक्रिया करता हूं, और आज की बहस यहीं पर हम समाप्त करते हैं। मैं राजन कानूनगो, मुझे इजाज़त दीजिए और देखते रहिए साधना न्यूज़।